बहुत समस्या है ऐसी पानी की है कि हम और दो दो मील से पानी आउट है भर भर। कितने दिन से पानी दूर से लाना पड़ा? बैसाख में तो लाने पड़ा। नमस्कार साथियों, मैं पन्ना जिला के पन्ना विकास खंड में दिवरी पंचायत के भगेपुर ग्राम में हूँ, जहाँ लोगों को पीने के पानी की बड़ी समस्या है। बोर से खराब पानी निकलता है, जिससे लोग पी करके बीमार हो जाते हैं एवं परेशान रहते हैं। मवेशियों को पानी पिलाने के लिए भी बोर से पानी लेना पड़ता है। अगर लाइट चली गई तो गांव के लोग पानी के बिना प्यासे बैठे रह जाते हैं। और शादी विवाह या कोई फंक्शन होता है तो उसमें भी पानी की वैकल्पिक व्यवस्था, दूर से पानी के लिए व्यवस्था करना पड़ती है। आइए मिलते हैं गांव के लोगों से, क्या है समस्या। हमारी गांव में ये समस्या है कि इस मोहल्ले में पानी की बहुत दिक्कत है। इन लोगों को बोर में जाना पड़ता है दूर, यदि वहाँ जाते भी हैं तो लाइट की समस्या है भाई। लाइट 24 घंटा तो रहती नहीं है, कभी कभी लाइट कट गई, जब ये लोग गए तो पानी ना मिला, बैठे हैं नहाने के लिए पीने के लिए। फिर वहाँ से एक और नल है करीब करीब 2-3-4 फरलांग दूर, उस नल में काफ़ी भीड़, वो भी अच्छा पानी नहीं है, उसका भी पानी थोड़ा सा बदबू दे रहा है, तो वो भी आदमी पीते नहीं हैं। तो और गर्मियों में तो और समस्या काफ़ी हो जाती है, क्योंकि अभी तो थोड़ा मोड़ा पानी मिल ही जाता है। गर्मियों में तो इतनी समस्या हो जाती है कि मवेशी को भी पानी को, क्योंकि नलवा में नहीं रहता है, नदी में पानी नहीं रहता है, तालाब यहाँ है नहीं है। तो सबसे पहले नंबर इस मोहल्ले में मतलब बोर होना बहुत अनिवार्य है। तो मवेशियों को गर्मियों में पानी कहाँ से? बस वहीं से बोर ओर से यहाँ से ले आए भर के, कोई साइकिल से, कोई डब्बा बांधा, कोई ने मोटरसाइकिल उठाया, कोई ने कुछ उठाया, इसलिए कोई ने सर पे रखा, तो दूर दूर दराज से ले आते हैं, परेशान है आदमी। नल जल योजना है ही नहीं है यहाँ, कौन टंकी अंकी कोई कुछ नहीं है यहाँ, क्या ये तो घरेलू बोर है, सो किसी ने दे दिया पानी प्यार से, सो ले आए, ना दिया तो चले आए, क्या करें। समस्या हो रही है पानी की, ये तो जिस दिन से करीब करीब 6-7-8-10 साल पहले यहाँ कूप था एक, तो मतलब कूप सूख गया तो उससे पीते थे, अब कूप में पानी नहीं है तो समस्या है। हमारे गाँव में पहली समस्या तो है पानी की, के पानी नहीं आ, एक थोड़ा नाल है सिर्फ, कम से कम 30-35 घर के बीच में 100-200 आदमी के बीच में एक नाल है, वो भी नाल ऐसा तो है कि बिल्कुल लाल पानी हो जाता, अब चलाओ तो तुम पी नहीं सकते, बिल्कुल पूरा बसात ढोर भैंसे तक पानी पिया नल को। अब हमारे तो कहाँ से पिए हैं, वो तो जब नन्या पानी कहूँ सो पिया थे, अब क्या परेशानी पीने पीने है पानी। लाइट नहीं है, पानी की दिक्कत है आपके गाँव में, तो कैसे पानी की व्यवस्था करते हैं? तो फिर टैंक मंगाओ, तो कहूँ बोर से मान लो जो लाइट भाई गांव में, तब बोर से आगो पानी, तो टैंक रखो रहो, और नंजे तो बस यही नल में मतलब खाना खाओ चले जाए, तो बस यही हाथ धो मुँह धो और चलते वाले, सोचे जहाँ कहूँ पानी मिलो तो पियो। अरे भगवान गाँव का जो कहाँ पानी मिला था अभी, तो बताओ है ही नहीं, यही नल कोई पिया था नंजा पानी। जब कम से कम 45 घर में, आधे गांव में है समस्या, जा हाँ आधे गांव में तो ऐसे कहो मैं लगे दुठ जल, तो एड़ो बेड़ो में कुछ चलता ही है। जो हैंड पंप है उसका पानी कैसे निकलता है? लाल पानी निकलता है, गंदो पानी है, मूर्छे मूर्छे शाम के भर के रख दो, लाल सुबह को लाल पानी तुम वहाँ तक ना धो पानी में। हम लोग चाहते कि हमारे यहाँ नल लग जाए, पानी की व्यवस्था बन जाए। जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का वादा किया जा रहा है, लेकिन इस गांव के लोग अभी भी बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। इस समस्या को लेकर के मैंने समुदाय के साथ एक मीटिंग की और वीडियो बनाया एवं आवेदन तैयार कर आवेदन ब्लॉक कार्यालय जनपद सीओ को दिया। मैं लक्खू प्रसाद, पन्ना जिला से, इंडिया अनहट के लिए।